मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए। रवि जी का मन था कि ऐसे समय में हमें शहर से ज्यादा गांव में चलकर रहना चाहिए, इसीलिए हम सब गांव वापस आ गए। रवि जी ने कुछ महीनों के लिए अपना ट्रांसफर भी यहीं करवा लिया है और साथ ही मेरी छोटी बहन नंदिनी को भी बुला लिया है ताकि वो मेरी देखभाल करे। आओ भाई। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप हमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन अब हम तुमसे इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में अब तीसरा जो आ गया है। मैं समझी नहीं। अरे तुम्हारे पेट में हमारा ये बच्चा। नमस्ते बाबूजी। उतरे के कहाँ खो गए? नमस्ते नमस्ते नंदिनी। और आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। अरे बेटा, अरे चांदनी तुम्हारी बहन आई है। आए बाबूजी। अरे नंदिनी दीदी। बड़े दिनों बाद नंदिनी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। सब कैसे है घर में? सब ठीक। और जीजू की मेहनत रंग लाई? मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल गया। बदमाश। और जीजू कैसे हैं आप? अरे नंदिनी तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारे आने के बाद तो 3 गुना खुशी हो गई है। अच्छा जी तारीफ। क्यों ना करें भाई। अब सारी बातें यहीं करोगे? चलो थैला उठाओ, अंदर चलो। जी चलो बिल्कुल जी। मैं उठाता हूँ। आ जाओ। चलो मेरी जान, घना इंतजार करवाया आज तूने मने। वो नंदिनी से बातें कर रही थी। क्या अब हम अपनी साली की तारीफ भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। और वैसे तो कहते हैं कि साली तो आधी घरवाली होती है। माना कि हम तुम्हें चाहने जितना प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आधा तो कर ही सकते हैं ना। मेरी प्यारी दीदी के लिए जूस और पोहा। अरे वाह, मेरी बहन तो बड़ी हो गई, कितना ख्याल रखती है मेरा। शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी आप भी ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। चल झूठी, ऐसा सभी बोलते हैं, शादी तो सभी को करनी पड़ती। नहीं दी दी मैं ऐसे ही खुश हूँ। आप नाश्ता कीजिए और बताइए कैसा बना है। बहुत अच्छा है, स्वाद है। अब तो शादी करनी पड़ेगी। नहीं दीदी। सब कुछ बदल रहा है, दाढ़ी बदल गई, काली हो गई, अखबार भी बदल गया। बदल तो रहा है सब कुछ। वो क्या है ना कि फोटो तो सुंदर सुंदर अंग्रेजी अखबार में ही हुए हैं। सब समझती हूँ मैं। लीजिए दीदी। मजा आ गया जी। चाय पी के मजा आ गया। अभी तो आपने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, और मजा आ जाएगा। हाँ नंदिनी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा दीदी मैं नहाने चलती हूँ, फिर आके कुछ अच्छा बनाते हैं खाने में। ठीक है जी।
तेरे हाथ का खाना भी खाना है और तड़े भी खाना है। मारी नंदनी, थारा कदरी रा पतन मारी जान ले लेवे है, अब ना राजा हुए थारे बिना। अरे मेरी पैंटी कहाँ चली गई? पता नहीं। अरे नंदिनी। जी बाबू जी। अरे पल्लू परेशान कर रहा है तो इसे घुमा के कमर में ठूस लेना, अपने घर में शर्म किस बात की है। हाँ अब ठीक है बिल्कुल। अरे नंदिनी। जी बाबू जी। मारे पैरों में ना बहुत तकलीफ हो रही है। तेरी बड़ी बहन तो पहले मालिश कर देती थी, पर वो बेचारी तो पेट से है, अब तो कर ना सके वो। तो ऐसा करियो, आज तू मालिश कर दियो, ठीक है? हाँ हाँ बताइए कब करनी है। बस रात को कर दियो सोने से पहले। ठीक है बाबूजी। अच्छी नींद आ जाएगी वाक्य बाद मरे। ठीक है बाबूजी। आनंदनी आ। अरे अरे वहां कहाँ बैठ रही है? यहीं बैठ मेरे नजदीक, यहीं तो बैठ के मालिश हो पाएगी ठीक से। पैरों की मालिश कर दे बढ़िया, थकान हो जावे ना। क्या बात है नंदनी, तुम्हारे हाथ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अरे कोई आ जाएगा। क्या तुम इतना डरती रहती हो, कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा? अरे नहीं दीदी आ जाएंगी इसलिए। कोई नहीं आएगी दीदी, दीदी सो रही है तुम्हारी। आओ ना यार। ये कड़बुस यार कोठरी में सवेरे सवेरे। क्या हुआ तुम्हें? ये कर क्या रहा है कोठरी के अंदर? देखूं तो उत्तरी के। ओ तू नहीं तो तारी छोटी बहनी सही प्यास तो मने बुझानी बुझानी से। तुम्हें पता है तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, और आज के बाद मैं दोबारा पहले से ज्यादा ध्यान रखूंगा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे कुछ नहीं, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। अरे वो तो मैं करता हूँ ना तुमसे, तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। जानती हूँ नंदिनी, थारा बदन देख के ना मैं सारा कंट्रोल ही खो देवे हूँ। मेरे को ये सब पसंद नहीं, अपना हाथ दूर रखिए। ओहो, मारे छूने से तने परेशानी होवे, और कोई छूवे तो तने मजा होवे। हाँ हमें कोई नहीं छूता है। अपना हाथ दूर रखिए वरना जीजू से शिकायत कर दूंगी। शिकायत करेगी भी तो उससे जिसके साथ तू रंगरलिया मनावे है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को मौज मस्ती करते हुए। अरे थोड़ी मस्ती मारे साथ भी कर ले, कोई फर्क ना पड़ेगा, मान जा। ओह ऐसा करता हूं मैं खुद जाके ना तेरी बड़ी बहन को बता देता हूं कि उसकी भोली भाली बहन उसके पति के साथ मतलब अपने जीजा के साथ खुद रंगरलिया मनावे है। जाऊं बोल दूं, बता ही देता हूं अब। Thank you.
बाबूजी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, दीदी से कुछ मत कहिएगा। सेवा बिना ऐसी करनी है, मेरे मन और मेरे तन को ना पूरी शांति मिल जाए। अरे क्या हुआ, और देखना था लेकिन सीन बीच में ही कट हो गया। कोई बात नहीं, बस सब्सक्राइब करो उल्लू और देखो पूरा एपिसोड बिना कटे, यानी बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ, जस्ट क्लिक एंड वॉच।